बड़ी खबर इस वक्त की आप जानिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक हो चला है। बीट में अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पर पथराव और फिर आगजनी को अंजाम दिया गया। प्रकाश सोलंकी अजीत पवार गुट के विधायक हैं। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जब हमला किया गया प्रकाश सोलंकी के आवास पर। एनसीपी विधायक हैं प्रकाश सोलंकी, और आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ पथराव बल्कि आगजनी को भी अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने बीट से हैं। अजीत पवार गुट के एमएलए हैं प्रकाश सोलंकी, विधायक हैं। महाराष्ट्र से ये खबरें, जहां उग्र हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन। अभी तक प्रदर्शन चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अब इस तरीके से हिंसक तस्वीरें देखने को इस प्रोटेस्ट में मिल रही हैं। मराठा आरक्षण की मांग पर हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीर, जो प्रदर्शनकारी हैं वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आए, पत्थर चलाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं, जहां बीड में अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के आवास पर इस तरीके से पत्थरबाजी की गई, और संख्या हजारों की संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे। पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौजूद है। मराठा आरक्षण की मांग पर यह हिंसक प्रोटेस्ट की तस्वीर, प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। अजीत पवार गुट के एमएलए पर, उनके आवास पर इस तरीके से हमला किया गया है। अश्विन पांडे जुड़ चुके हैं फोनलाइन पे और ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विन, क्या कार्रवाई हुई और इस वक्त कैसी स्थिति है बीड में? जी देखिए, कुछ देर पहले जो प्रकाश सोलंके हैं उनके घर पर हमला हुआ, इसके बाद आगजनी की गई, लेकिन वहां से तो भीड़ को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन अभी जो खबर है वो ये कि मांजल गांव जो है बीड जिले का, वहां पर नगर परिषद के कार्यालय पर भी पथराव हुआ और नीचे जो है आग लगाई गई है। यानी कि जो हिंसक भीड़ है वो अभी भी हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दे रही है। लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि इस तरह से हिंसात्मक घटना को अंजाम ना दें। कार्रवाई जो है, जाहिर सी बात है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं उसकी दिशा जो है बिगड़ेगी। जो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनकर्ता अपनी मांगों को रख रहे थे, प्रशासन की तरफ से एक्शन किया लिया गया, क्या आप किसी तरीके की कोई और सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरें लगातार, कैसे हमला किया जा रहा है, हाथ में पत्थर लेकर के उनके घर की तरफ फेंका जा रहा है, हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है। जी बिल्कुल, देखिए उनके घर के पास जो स्थिति पहले थी वो पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई है। प्रशासन और पुलिस विभाग की जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब चूंकि भीड़ वहाँ से हटी है और आसपास के जो दूसरे इलाके हैं, खासतौर पे जो मैं विधान नगर परिषद की जो बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अब अटैक हुआ है, वहाँ पर आगजनी को अंजाम दिया गया है। भीड़ के अलावा दूसरे जिलों में भी छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं, तो ये जो उग्र आंदोलन हो रहा है इसको कंट्रोल करने की सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रह नहीं गया, जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, हिंसक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। Z News.